गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साय, आप देख रहे हैं साय नाइंस और लक्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कि सर्विस के बारे में। ये पार्ट टू है, पार्ट वन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देखिए। सो आज हम बात करने वाले हैं सर्विस के बारे में, स्कूटी सर्विस से, बाइक सर्विस नहीं है, स्कूटी सर्विस से। सो मेरा गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ गए था कि मैं 9 मंथ से सर्विस नहीं करवाया, उसके कारण मैं सीज़ होने की चांसेस है, इसलिए मैं गाड़ी भी नहीं चला रहा हूँ। मैं लिटरली बताऊँ, सीज़ हो गई ना 10-15 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, इसलिए मैं गाड़ी भी चला नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मेरे गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आप लोग जाके पार्ट वन में देख लीजिए, पार्ट वन वीडियो में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। सो आप लोग ये गलती मत करिए कि 3 मंथ्स होता है कि आपको सर्विस करवाने के लिए, उस टाइम टू टाइम करवा लीजिए। सो आज दूसरा प्रॉब्लम आ गया मेरे गाड़ी में कि वो क्या साउंड आने लग गया है कि कुछ किच करके आने लग गई है। पहला सा था लेकिन मतलब ज़्यादा ही हो गई है। पहला कैसा होता था कि स्टार्ट करते जाते ही आता था, उसके बाद नहीं आ रहा था। अब बिल्कुल ही कभी मैं गाड़ी चलाता हूँ बीच में घिस 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 क्या साउंड आ रही है। मैं जाके अब शोरूम पे पूछा तो उन लोग बताया कि गेयरबॉक्स का ऑयल चेंज नहीं हुआ है, गेयरबॉक्स का ऑयल भी चेंज होना है। आप लोग सोचते हो कि इंजन ऑयल चेंज करने के बाद कुछ भी नहीं करवानी है, लेकिन गेयरबॉक्स ऑयल होती है स्कूटी में, वो ज़रूर करवानी है, वो ज़रूर करवा दीजिए। मैं कल और परसों मैं सर्विस करवा दूंगा मेरे गाड़ी का, और वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या क्या आपको करवानी है सर्विस। सो मैं अपने चैनल पे डेली व्लॉग्स का चैलेंज भी कर रहा हूँ, कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा वो भी। सो वो भी डेली व्लॉग्स करूँगा, वो भी देख लेना, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, सो देख लीजिएगा प्लीज़। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइस चलते हैं, बाय। सो बाय।